हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फिर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान, आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आऊँ। आज हम जानेंगे फ्रांस जो है वो इंडिया से राफेल सिस्टम से भी मतलब ले रहा है। ऐसा टर्म आ गया है जैसे मतलब पहले इंडिया जो था भारत वो लोगों से लेता था, जैसे पाकिस्तान आज भी कर रहा है और मुल्कों से लेता था, लेकिन अब जो है बेच रहा है भारत और मुल्कों पे बेच रहा था। और एक टाइम पे भारत पे लोग भोंगते थे कि यार भारत जो है ना सपेरों को शाम करता है, भारत कुछ नहीं कर पाता, फलाना फलाना। लेकिन आज पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है, भारत आज इस दौर में कुछ भी कर सकता है भाई, कुछ भी। तो बिना किसी तरीके का ऑन करते हैं, पाकिस्तानी क्या कहते हैं, सारी दुनिया इसके बारे में क्या कहती है। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी मजबूत है। अच्छा। और जो है ना वहाँ पे जो कॉस्ट है ना चीजों की ठीक हो गया, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कंपनीज। फ्रांस ये तो है। और इंडिया के बीच एक बड़ी डील या बड़ी परचेज कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगी। बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान। ठीक हो गया। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई है, वो जो पैसे का वॉल्यूम है, क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। फ्रांस इस वक्त ये इवैल्यूएट कर रहा है कि इंडिया का पिनाका रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम उसको खरीदा जाए। हम भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन हम अगर बात करें इंडिया की, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से वो ब्राह्मोस मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं और अपने डिफेंस आइटम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 2023 से 2024 तक 21,000 करोड़ जो है कमाया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों फ्रांस भारतीय स्वदेशी टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है और इसे देखकर चीन पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अन्य विकसित देशों की रातों की नींद उड़ चुकी है। देखिए आप एक स्लोगन है कि आप बी नेशनलिस्ट, व्हिच एवर कंट्री यू बिलोंग टू, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो वर्क फॉर पाकिस्तान। जबरदस्त। वी आर वर्किंग फॉर आवरसेल्व्स, वी आर सेल्फिश पीपल। ये चीज ठीक है। आप हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हुए हैं कि आप 1,000 बंदे का इंटरव्यू करेंगे तो आपको कोई पाकिस्तान की बात नहीं करेगा। ऐसे ही है। वो रोएगा कि आज कल मैंने 1,000 रुपए कमाया था, आज 800 कमाया। ऐसे ही है। तो हम लोगों के जो ज़ेहन है वो फंस गए हैं इसके अंदर ही, सर्वाइवल के अंदर। नहीं, ये हमारे ज़ेहन इसलिए फंसे हैं शायद कि हमें एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया गया हमारे यहाँ पे कि हमें अपने बिजली के बिलों की फिक्र रहे, अपने बच्चों के स्कूल के फीसों की फिक्र रहे, नेशन की तरफ। आप इंडियन किसी तरह यूट्यूब कोई चैनल या कोई व्लॉगर्स को देखेंगे, ठीक है, उनके भी मसाइल बिल्कुल हमारे जैसे हैं, ठीक है, लेकिन वो 4 बंदों में बैठ के दिल नेवर टॉक अगेंस्ट देयर कंट्री, दिल नेवर टॉक अगेंस्ट देयर पॉलिटिशियंस अबाउट देयर आर्मी। और हमारा मसला ये है कि हम लोग अपने जरा से, हाँ, हम अपने हर चीज को जो है ना वो क्रिटिसाइज कर, नहीं, थोड़ा सा अगर रैशनल होके सोचें। सर मैं अगर कहता हूँ, लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे, ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल इंडियंस बैठे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, मैं इनको क्या सवाल करूं कि भाई ये आपके कंट्री में इस टाइम पॉलिटिशियंस ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, आपकी इकोनॉमी नहीं ठीक चल रही है, आपकी दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं है, मैं इनसे क्या ऐसा सवाल करूं, मुझे बताएं। इंडियंस हैं तो वो तो डेफिनेटली उनके जब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो वो तो तारीफ ही करेंगे, और आपकी या हमारी अगर चीज़ें नहीं ठीक चल रही तो मैं आपको कहूँ तो आप तारीफ करें। के सेपरेटिस्ट हैं जैसे सिख्स हैं, ठीक है, उनका पिछले दिनों चल रहा था, उन्होंने कनाडा में जाके किलिंग्स हुई हैं, ठीक है, पाकिस्तान में किलिंग्स हुई हैं, आगे पीछे है, ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो इमर्जिंग इकोनॉमी। अब दरअसल हाल ही में फ्रांस की तरफ से यह न्यूज निकल कर आई है कि फ्रांस भारत की पिनाका मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। हम आपको बता दें कि पिनाका मिसाइल सिस्टम पूर्णतः स्वदेशी तौर पर भारत में DRDO के द्वारा निर्मित की गई हैं, और इन मिसाइल सिस्टम की रेंज जो पहले 90 किलोमीटर तक की हुआ करती थी, तो अब DRDO के द्वारा इसे और अधिक बढ़ाकर 200 किलोमीटर से ज्यादा लगभग 300 किलोमीटर तक कर दिया गया है। अब यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज इसीलिए है क्योंकि भारत पहली बार अपनी स्वदेशी तौर
पर निर्मित की गई मिसाइल सिस्टम को एक ऐसे देश को बेचने जा रहा है जो कि रक्षा क्षेत्र में एक बहुत ही ज्यादा मजबूत और बहुत ही बड़ा निर्यातक देश है। फ्रांस यूरोप का और लगभग पूरी दुनिया का वह पहला देश बनने जा रहा है जो कि भारत से भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत ने रक्षा के क्षेत्र में कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की या फिर भारत की पिनाका मिसाइल सिस्टम को किसी और देशों ने नहीं खरीदा, बल्कि इससे पहले भी हमने अपने रक्षा क्षेत्र के उत्पादों का बहुत ही ज्यादा निर्यात किया है। लेकिन अभी तक हमने ऐसे देशों को निर्यात किया है जो कि रक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी भारत के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और इनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो फ्रांस के साथ यह डील करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। अभी तक केवल भारत ही फ्रांस से राफेल जैसे बड़े बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट का आयात करता था। हालांकि आगे भी भारत फ्रांस से राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का आयात करने वाला है और भारत फ्रांस के बीच में एक बहुत ही बड़ी डील पर कार्य हो रहा है। लेकिन इस सब में परिवर्तन आ चुका है और धीरे धीरे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इतना ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा कि कई और अन्य अमेरिकन और यूरोपियन देश भी भारत के स्वदेशी उत्पाद खरीदेंगे और इसी सब की वजह से भारत भी फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसा एक बहुत ही बड़ा डिफेंस का निर्यातक देश बन जाएगा। मौजूदा समय में भारत के जो टोटल रक्षा निर्यात है यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट है तो वह 2.6 बिलियन US डॉलर के हैं, जिसको आने वाले समय में 5 बिलियन US डॉलर तक ले जाने का भारत सरकार का लक्ष्य है। और भारत सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने में फ्रांस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि जब फ्रांस जैसे शक्तिशाली और रक्षा निर्यातक देश भारत के रक्षा उत्पाद को आयात करेंगे तो पूरी दुनिया के समक्ष यह संदेश जाएगा कि भारत में आज के समय बहुत ही ज्यादा अद्भुत और श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सस्ते हथियारों का निर्माण हो रहा है और यह हथियार पूरी दुनिया की रक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प बन सकते हैं। फ्रांस और इंडिया के बीच एक बड़ी डील या बड़ी परचेज कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगी, क्योंकि एक फ्रेंच ब्रिगेडियर की तरफ से ये कहा गया है कि फ्रांस इस वक्त ये इवैल्यूएट कर रहा है कि इंडिया का पिनाका रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम उसको खरीदा जाए, उसको परचेज किया जाए। अब इसकी डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बूस्ट दे रही है। मैं इसके तमाम एंगल्स आपके सामने रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि इससे पहले फ्रांस ने इंडिया से कभी कुछ नहीं खरीदा या इंडिया ने इससे पहले क्या कभी कुछ नहीं बनाया, लेकिन ये सब अपनी जगह पर है। अभी तो फ्रांस और इंडिया के बीच स्कॉर्पियन सबमरीन और राफेल जेट्स, इनकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे। अभी तो वो जो परचेज, वो जो डील्स हैं वही चल रही थी, लेकिन इसी के बीच ये बड़ी खबर आई है। तो फिर हमने कहा कि ज़रा इसको भी एनालाइज करते हैं कि ये कैसे, ये बताती है कि जो कि इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपकी इसको डिटेल बताते हैं कि ये है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच आर्मीज ब्रिगेडियर जनरल स्टेफन ऑन ए विजिट टू इंडिया, वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने ये कहा, वी आर इवेल्युएटिंग पिनाका बिकॉज वी नीड ए सिस्टम लाइक दैट एंड इवेल्युएटिंग दिस। यार देख लिया कि आप, मतलब भारत इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा कि भारत से लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है और ये कोई न्यू अचीवमेंट मिली है इनको, बहुत सी ऐसी चीज है जो भारत से खरीदी जा रही है। कहने का मकसद ये है कि भारत इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, भारत ने मतलब एक इतिहास रचा डाला और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान ये सारे डरे हुए हैं कि यार ये क्या कर रहा है भारत। पहले जो है ना भारत औरों मुल्कों से लेता था हथियार, खुद के नहीं बनाता था, और अब जब बनाने लगा और ऐसे हथियार बनाने लगा कि और मुल्क खुद कहते हैं कि हमें भी दो यार, हमें भी दो ऐसा हथियार, तो इतना ग्रोथ कर चुका है, इतना जो है ना चेंज हो चुका है। मतलब भारत आने वाले वक्तों में जो है ना, भारत जो है वो चीन को छोड़ने वाला है, अमेरिका को छोड़ने वाला है। पीछे क्यों अमेरिका, चीन लोग ये क्यों आगे हैं, क्योंकि वो खुद हथियार बनाते हैं और मुल्क जो है ना, हम जैसे मुल्क पाकिस्तान,
जैसे मुल्क जो है ना वो लेते हैं इनसे, और इनका आधा बजट तो इसी में जो है ना मुकम्मल हो जाता है। तो और हमारी सोच, जैसे भाई ने बोला कि हमारी सोच इन लोगों ने डाउन की हुई है, इतनी जो है ना महंगाई की हुई है कि हम ये सोच सकते हैं कि यार बच्चों की जो है ना वो फीसें मुकम्मल हो जाए, बच्चों का जो है ना वो पूरा हो जाए, और हम उस पर कहते हैं कि यार शुक्र है बस ये हो जाए। हमें पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल जो है ना सोच जाती नहीं है, बिल्कुल नहीं जाती कि यार हमारा पाकिस्तान किधर से किधर जा रहा है। हर बंदा जो है ना सिर्फ ये सोचता है कि यार हम जो है ना अच्छा खा लें, एक से दूसरे से अच्छा खा लें। यार इतना जो है ना ये पाकिस्तान में महंगाई कर दी है, इतना वो कर दी है कि एक बंदा जब सर उठाता है तो वो कहता है कि यार यार बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में रहना, बहुत मुश्किल है। अब जो है ना देख लो 35,000-37,000 इनकी तनख्वाहें होती हैं सरकारी बंदे की, लेकिन वो जो है ना 10,000 बिल होते हैं, बिल होते हैं, किराया होता है, गैस होती है। मतलब एक बंदा जो है एक घर में 3-4 बंदे हों फिर भी जो है ना गुजारा होता है कि यार गुजारे वाल होता है कि लोग लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन अगर एक ही बंदा जो है ना मजदूरी कर रहा हो तो उनका घर बिचर जाता है यार, वो बहुत मुश्किल से मैं कहता हूँ वो मरने तक आए होते हैं। कितने लोगों ने इस तरह खुदकुशियां कर ली है कि नहीं चल रहा बस हमसे ये। तो यार इतना बुरा वक्त आ चुका है पाकिस्तान पे, और इंडिया मैं कहता हूँ बेस्ट हो गया, इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने सोचा, हर बंदे के लिए वो सोचते हैं, हर एक चीज़ के लिए वो सोच रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा यार, कोई देश तो है जो टक्कर दे रहा है सारी दुनिया को, बहुत अच्छा लगता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए इतनी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।